दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की पायरेसी रोकने के लिए करीब 12,000 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का नोटिस दिया था, लेकिन इसके बाद भी फिल्म लीक हो गई है। तमिल रॉकर्स और अन्य एक्टिव पायरेसी वेबसाइट ने फिल्म को लीक कर दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की तैयारियां जोधपुर के उम्मेद भवन में चल रही है। वहीं फोटो जर्नलिस्ट मारव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की स्पेशल गिफ्ट की फोटो शेयर की है। ये गिफ्ट मेहमानों को वेलकम करते हुए दिया जाएगा। इसके अलावा एक कार्ड भी है जिसमें प्रियंका और निक का नाम लिखा हुआ है। हालांकि इस बॉक्स के अंदर क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ है। शाहरुख खान के फैंस के लिए बुरी खबर है। किंग खान की फिल्म जीरो के सेट पर आग लगने की खबर है। गोरेगांव स्थित जीरो के सेट पर जिस वक्त आग लगी, शाहरुख खान वहां मौजूद थे। जीरो के सेट पर ये दूसरी बार है जब आग लगने की घटना हुई है। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की चार गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। किंग खान शाहरुख पूरी तरह से सुरक्षित है। अर्जुन कपूर का 45 साल की मलाइका अरोड़ा के साथ अफेयर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में मलाइका अरोड़ा खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे से खान सरनेम हटा दिया है। अब वो सिर्फ मलाइका अरोड़ा है और उन्होंने गले में AM का लॉकेट भी पहना हुआ है। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। ठग्स के बाद वो अपनी फोर्थ कमिंग मेगा बजट फिल्म महाभारत पर काम शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें बिजनेसमैन मुकेश अंबानी 1,000 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। हालांकि अभी इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने खुलासा किया है कि वो महाभारत बनाने वाले हैं। संजू से धमाल मचाने के बाद रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं अब खबर है कि उन्होंने अपनी फोर्थ कमिंग फिल्म शमशेरा की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें वो संजय दत्त के साथ नजर आएंगे। बता दें कि शमशेरा यशराज बैनर में बनने वाली है, जिसका टीजर काफी पहले रिलीज किया गया था। सोनाली बेंद्रे और इरफान खान के बाद सिंगर और एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। दोनों ने इसका सोशल मीडिया पर खुलासा किया था। हाल ही में ताहिरा को दोबारा से कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पहले ये कैंसर जीरो स्टेज पर था, जिसे हराकर ताहिरा घर वापस आ गई थी, लेकिन ताहिरा को दोबारा कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अब ये पहले स्टेज पर पहुंच गया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से मिले कानूनी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। समिति ने आरोप लगाया है कि आने वाली फिल्म जीरो में एक आपत्तिजनक दृश्य है, जिसे कथित रूप से सिख समुदाय की भावना आहत हो सकती है। सारा अली खान अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ की रिलीज के पहले ही चर्चा में बनी हुई है। सारा अली खान ने हाल ही में अनुपमा चोपड़ा को इंटरव्यू दिया और बताया कि उनका एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है, लेकिन वो जल्द ही ट्विटर पर आएंगी। बता दें कि इन दिनों सारा केदारनाथ का प्रमोशन करने में बिजी हैं। करीना कैफ की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हाल ही में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। लेकिन अब फिल्म भारत के सेट से कटरीना ने जो नई फोटो शेयर की है, उसमें वो अपना नया हेयर स्टाइल फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। कटरीना ने अपने नए लुक के लिए घुंघराले बाल अपनाए हैं।